सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए लखनऊ केसरी के मुख्य अतिथि श्री हनुमान पांडे जी का। जिला लखनऊ के सीतापुर की धरती में मिट्टी के दो लाल आमने सामने हैं, लड़ने के लिए कुश्ती और जीतने के लिए वो खिताब जो हर एक पहलवान का सपना होता है, लखनऊ केसरी। भरपूर तालियों के बीच हौसला अफजाई करे 12 गांव के पहलवानों को हरा करके खिताब जीतने के लिए आए पहलवान बलवान का। पिता की पूंजी और सीख को अपना धर्म मानकर उनके नक्शे कदम पर चलकर नेशनल चैंपियन का खिताब जीतने के बाद अब केसरी के दंगल का खिताब जीतने के लिए आए हैं पहलवान राजवीर। राजवीर, 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 राजवीर। मैं मुख्य अतिथि हनुमान पांडे जी से विनती करूंगा कि घंटा बजा करके आज के दंगल का शुभारंभ करें। केसरी तो बलवान ही बनेगा, तपस बलवान दिखा दे अपना जोर। दांव के इस दंगल में दोनों पहलवान अपने अपने दांव के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस वक्त बलवान सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा है। राजवीर का हाथ पैर दोनों तोड़ेगा। अच्छा होगा दोनों तोड़ दे। इस राजवीर के चलते हमारे गांव का कोई भी पहलवान नेशनल भी नहीं जीत पाया है। हाँ, तो आज ये पहलवान इसी मकसद से अखाड़े में उतरा है। हाँ, नेशनल चैंपियन राजवीर ने लखनऊ केसरी का खिताब भी जीत लिया है। क्या बात है, क्या बात। प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद ऐसे ही सदैव बना रहे तुम पर। शाबाश राजवीर, शाबाश। हम पर तो वैसे भी दो दो हनुमान जी का कृपा। पिताजी के जाने के बाद जो रास्ता आप दिखाएं बस उसी पर चल रहे हैं। राजवीर, ये सब आपके मेहनत का ही फल है। अगर हम आपकी मदद नहीं भी करते हैं, फिर भी अपने मेहनत के बल पर आप वहीं खड़े रहते हैं जहां पर आप आज हैं। ऐसे ही नाम रोशन करते रहो, अपना और पूरे देश का। जी भैया जी। सबसे पहले सम्मान उसका
जिसका कर्जदार हर एक पहलवान है। मिट्टी, जो मिट्टी की इज्जत करता है मिट्टी उसकी इज्जत करती है। ये बात आपके पिताजी हम जैसे सभी पहलवानों को गार्ड बांधकर रखने के लिए कहते थे। मिट्टी, अखाड़ा, कुश्ती, पहलवान, ये गठबंधन एक त्याग और तपस्या का नाम है, एक धर्म से जुड़ा हुआ है। ये धर्म, ये पेशा, कभी भी गलत काम में पड़कर इसे बदनाम मत होने दें। जी भैया जी। ऐसे माँ कैसी है? माँ अच्छी है, आपको याद करती है। चलो जब इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाएगी तो आऊंगा मिलने उनसे। तो आपको जल्दी आना होगा क्योंकि अनाउंसमेंट तो कभी भी हो जाएगा भैया जी। हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप इंडिया खेले। तुम्हारा लखनऊ केसरी कैसा हो? माँ ये क्या कर रही हैं आप? हम कितनी बार कहें ऐसा भारी भरकम काम खुद मत कीजिए, कहीं दर्द वर्द हो गया तो। वैसे एक बात बताएं, ये काम वाम करने का ना अब आपको जरूरत नहीं है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा है? अरे खुश रहो बेटा। अच्छा सीमा, आओ बेटा, चलो आओ बैठो। वैसे इस मूर्ख ने पहले बताया होता तो कुछ तैयारी करके रखती। माँ बाप तैयारी कर ही लीजिए हमारी शादी की। अच्छा जान निकली जा रही है, माँ के सामने कुछ तो शर्म कर। लो अब इसमें शर्म की क्या बात है, अब ये घर में आ जाएगी तो आपकी सहायता ही करेगी ना। चुप होगा तो मैं भी कुछ पूछ लूं। अच्छा बेटा कहाँ रहती हो? अब जी माँ जी, मैं यही सीतापुर में, लखनऊ रोड है ना वहाँ पे, पहलवान नाफे सिंह जी की बेटी हूँ। बेटा तुम जानती हो ना अपने पिताजी और राजवीर के पिता के बारे में? माँ वो सब जानती है। फिर भी तुम? माँ आप चिंता मत कीजिए, हमें पूरा भरोसा है, जैसे ही हमारा इंडियन कुश्ती में सिलेक्शन हो जाएगा तो हम खुद जाकर सीमा के पिता और भाई से बात करेंगे। हमारा विश्वास है कि हम सीमा के घर वालों को मना लेंगे, चिंता मत कीजिए, हम और सीमा सब ठीक कर देंगे। सर ये लड्डू खाइए आप। मैं मिठाई तो खिला रहे हो, आले खुशी का नाम भी तो बता दो। बताते हैं सर, राखी जी आप भी लीजिए। हाँ। अरे वाह 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 वाह, मुंह मीठा किया जा रहा है। मीनाक्षी आखिर तुमने शादी के लिए लड़का पसंद कर ही लिया। शंभू जी आप अपने दिमाग को सोचने का ना कष्ट मत दीजिए, वो क्या है ना ये मिठाई हनुमान सर की तरफ से, उन्हें बधाई दीजिए, दीजिए खाइए। क्या हनुमान सर मिठाई लेके आए हैं? अब तो पक्का हो गया, सोचने की भी जरूरत नहीं भाई, मुबारक हो। अरे सब लोग मुबारकबाद दो हनुमान सर को, शादी का तीर मारा इन्होंने। सर आपकी माँ मुझे हमेशा कहा करती थी आपकी शादी के बारे में, इस खुशी में मैं बहुत सारी मिठाई खाऊंगा। शंभू जी रिलैक्स रिलैक्स, आप अपने दिमाग के घोड़े को ज्यादा मत दौड़ाइए, आप मिठाई खाइए। सर वो हमारे गुरु जी हैं जगवीर जी, उनके बेटे राजवीर, वो नेशनल रेसलिंग टीम में उनका सिलेक्शन हो गया, ये देखिए। वाह बड़ी खुशी की बात है। शंभू जी ये खबर जरा जोर से सबको पढ़ के सुनाइए आप। सर हम एक कॉल करते हैं। अच्छा प्रणाम भैया जी। हाँ प्रणाम राजवीर, खुश रहो। अरे आपने तो हम सबका सीना एकदम गर्व से चौड़ा कर दिया। बस आपका आशीर्वाद है भैया जी। हाँ कब जा रहे हो? भैया जी कल दोपहर को निकलते हैं। ठीक है हम पहुंचेंगे घर, तैयारी करना। जी भैया जी। प्रणाम भैया जी। प्रणाम प्रणाम। अजीब लड़का है, बोला माँ सामान तैयार रखो मैं अभी अभी आता हूँ, जाने कहाँ रह गया, फोन भी नहीं लग रहा अब।
ट्रेन ना छूट जाए उसकी। आ गया लगता है, आती हूँ। अरे हनुमान। प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। साक्षी माफ करना बेटा, शादी के बाद जितने भी बार आए हो साक्षी बहू को लेकर ही आए हो तो आदतन मुझसे निकल गया। तुम आओ अंदर आओ, आओ। कोई नहीं माँ जी, वैसे बहुत बहुत बधाई आपको। राजवीर ने हमारे गुरुजी का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करने जा रहा है, वो हम सबको गर्व है उस पर। उसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है हनुमान, तुम्हारी भी गुरु दक्षिणा पूरी हो गई है, तुमने उनका सपना पूरा किया है। नहीं माँ जी, ये तो राजवीर की मेहनत लगन उसी का नतीजा है, हम तो कुछ भी नहीं है। वैसे राजवीर है कहाँ, निकलने का वक्त हो गया है। राजवीर? अरे वो नहीं है घर पे, तब से उसी को फोन लगा रही थी। गाड़ी का समय हो गया है, उसका कोच का भी 2-3 बार फोन आ चुका है, और समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। वो कुछ बताकर नहीं गया कहाँ जा रहा है? एक लड़की है सीमा, उसी से मिलने गया होगा, मेरा तो दिल घबरा रहा है। आप तो बेवजह परेशान हो रही है माँ जी, कुछ नहीं होगा, आ जाएगा वो। मेरी चिंता की वजह सीमा के परिवार वाले है हनुमान, कह रहा था कि सिलेक्शन की खबर मिलते ही सीमा के घर जाऊंगा शादी की बात करने, तो वो सीमा नफे सिंह की बेटी है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ जी आप आली सर क्या राजवीर कब कैसे पर... क्या हुआ, क्या हुआ हनुमान, क्या हुआ राजवीर को, वो ठीक तो है ना? तरीके से मारा गया है। एक बात तो साफ है, ये काम किसी पहलवान का है सर। किसका खेत है ये खेत किसका है? हमारा है खेत। तेरे गले में ठंडक पड़ गई, और मार डाला मेरे बेटे को, मार डाला तूने भी। हमने नहीं मारा तेरे बेटे को, लेकिन कर्म तो भुगतना पड़ता है। वैसे भी किसी के घर की इज्जत उछालने वाले की यही सजा है। क्या गल? गुरु माँ है ये हमारी, सम्मान से बात करो। और क्या बोला तूने, इज्जत काय की इज्जत में? जरा अपने इस बाप से पूछ ले कहां गई थी इसकी इज्जत, जब पहलवानी में राजवीर के पिता जगबीर सिंह ने इसका लंगोट निकाल के पूरे गांव के सामने घुमाया था और पहलवानी का घमंड तोड़ा था तुम्हारा। हा? एक बात याद रखना, कसम है हनुमान पांडे को अपने गुरुजी की, अगर तुम दोनों में से किसी का हाथ हुआ राजवीर के खून में तो देखना क्या असर करता हूं। सीमा को पता होगा।
कहाँ है आपकी बेटी सीमा? बुलाओ उसे, उसे पता है मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। वो प्यार करती थी मेरे बेटे से, यकीन मानो मेरा, दोनों प्यार करते थे। सीमा कहाँ नफे सिंह? बालिक लड़की है वो, हमें नहीं पता कहाँ है वो। हमरे लिए तो वो मर चुकी है, और तुमको कहीं मिल जाए ना तो हमको मत बतलाना। चलो जैसे चलो। कुछ तो पता होगा, हाँ? किसी ने कुछ तो देखा होगा सीमा के बारे में, तो आसपास लोगों से पूछो तो। देखो अजय, मुझे तुम लोगों से कुछ ना कुछ लीड चाहिए इस केस में। ये कोई पर्सनल केस सॉल्व नहीं कर रहे हैं। राजवीर के रूप में इस देश ने एक उभरते हुए पहलवान को खोया है, और उसका कातिल इतने आसानी से छूट नहीं सकता, समझे तुम? हनुमान प्लीज शांत हो जाओ, हम पता लगा लेंगे। पानी पियो, पानी ले आना। नहीं सर, मैंने प्रण लिया है कि जब तक राजवीर के कातिल को पकड़ नहीं लेता, मैं अन्न और जल को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। यार हनुमान क्या बात कर रहे हो? सर मुझे तो ये केस साफ साफ ऑनर किलिंग का लग रहा है। राजवीर के पिता और सीमा के पिता के बीच पुरानी आपसी रंजिश थी। सर इनको पकड़ के इंट्रोगेट कर दे, सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे भी सर राजवीर की लाश इन्हीं के जमीन में गाड़ी गई थी। मतलब इतना खुला केस था, इसके बाद भी सीमा के परिवार वाले राजवीर को मारने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करते? ये भी तो हो सकता है कि किसी ने सीमा के और राजवीर के परिवार वालों की दुश्मनी की आड़ में राजवीर का खून कर दिया है, और जानबूझ के उसकी लाश उनकी जमीन पे गाड़ दी ताकि सीधा सीधा शक सीमा के परिवार वालों पे जाए। संभावनाएं बहुत हैं, और अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि ऑनर किलिंग का केस है, तो सबसे पहले हमें सीमा को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। पर सर सीमा का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमने उसका पूरा घर सर्च किया, उसके घर में उसका फोन तो मिला, पर सीमा कहाँ है ये किसी को पता नहीं। बस ये सीमा ही है जो राजवीर की मौत का राज खोल सकती है, वही बता सकती है कि राजवीर के साथ हुआ क्या था। सीमा का पता करना पड़ेगा। हनुमान सर आपका शक सही था, राजवीर की मौत कर्तन तोड़ने की वजह से हुई। थोड़ी बहुत हाथापाई हुई है, पर इसके अलावा उसके शरीर पर और कोई इंजरी का निशान नहीं है। तो राजवीर के खून में किसी पहलवानी करने वाले इंसान का ही हाथ है। और सर ये राजवीर कोई कच्चा पहलवान नहीं था कि कोई आसानी से उसके गर्दन तक हाथ डाल सके। अगर मैं कहूं कि किसी ने उसे विश्वास में लेके धोखे से मारा हो तो? सब तो मुमकिन है सर, मगर वो पहलवान कौन हो सकता है? एक नहीं सर, ऐसे चार पहलवान हैं जिनके साथ राजवीर का झगड़ा हुआ था, और उनका अखाड़ा भी उसी रास्ते पे जो रास्ता सीमा के पिता के खेतों की तरफ जाता है। और सर ये जो झगड़ा हुआ था ना, वो इन्हीं के ठेले पे हुआ था। बताओ तो जरा क्या हुआ था उस दिन? साहब वो लड़के मेरे केले के ठेले से केले उठा के लेके जा रहे थे। अरे अरे, अरे क्या मजाक कर रहे, पैसे तो दे दीजिए। पैसा चाहिए काका? अरे खाएं भी हम, पैसा भी दे हम। काका करेंगे हम। अरे काका करेंगे बे हम। क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। तुम जैसा लोगों का कारण ही पहलवानी बदनाम हो रहा है। जाते जाते उनमें से एक लड़के ने राजवीर को धमकी दी। अरे तुझे तो मैं देख लूंगा। हनुमान जाओ मिलो इन चारों से, देखो क्या है। कसरत हो गई हो तो जरा
बाहर आ जाइए, कुछ पूछताछ करनी है राजवीर के बारे में। कसरत चल रही है पहलवान जी, इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा पहलवान जी, ऐसे ही मानोगे या कोई दाव देखने? पहलवान जी तो फिर आप ही आ जाओ अखाड़े। मगर शर्त ये है कि अगर आपने हम में से एक को भी अखाड़े से बाहर फेंक दिया ना, तो जो आप बोलोगे वो हम करेंगे, जो पूछताछ करनी है कर लेंगे। मगर हमने अगर आपको अखाड़े से बाहर फेंक दिया तो चुपचाप अपनी टीम लेकर ना वापस चल देना। महाबली हनुमान के महान भक्त हनुमान पांडे को तुम सबकी चुनौती मंजूर है। क्या बोल रहे हो आप? सर कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया सर, आपको देखा इसलिए मैंने बोल दिया। अगर आपको नहीं जम रहा है तो अभी पकड़ लेते सबको। अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है। आ जाओ पहलवान जी, स्वागत। अजय, ये गया बाहर। देखो भैया, तुम्हारे हाथ पे टूटे होंगे ना, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। प्लीज छोड़ दीजिए। खेल खत्म, अब जरा काम की बात करते हैं। सीमा और राजवीर, क्या क्या था तुम लोग ने? राजवीर के साथ सर हमारा झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन हमने मारा नहीं उसे। हाँ। और सर ये सीमा सर, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता सर, रत्ती भर नहीं पता हमें सर। और सर कल हम अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहे थे ना सर, दो पहलवान आए थे। नहीं, इधर कोई लड़की आती देखी है? नहीं तो अगर बाद में हमें पता चला ना कि तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है, तो तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। क्या यही थे वो दोनों? तुम्हारा वो चौथा साथी, क्या नाम है उसका? सुनील। हाँ, वो साहब जरूरी काम के चक्कर में घर गया है। अपने गांव गया हुआ हो? गांव गया हुआ है जी साहब। मीनाक्षी, ये जो गांव गया हुआ इसका नंबर ले लो, जरा फोन लगाओ उसे। 44217। नंबर बंद है, इन तीनों का नंबर ले लो आप, इन तीनों का। और हाँ, सीतापुर से तुम लोग तीनों कहीं बाहर नहीं जाओगे जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता। जी साहब, जी 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 जी। हेलो, क्या लाश सबसे पहले किसने देखी? मैंने देखी थी साहब, दो दिन से ढूंढ रही थी उसे, इन्होंने ही गायब किया था मेरी बच्ची को। और इन्होंने ही मार डाला मेरी बेटी को। पागल हो गई है मातू, इसके मुंह में, इसकी वजह से हमारी इज्जत गई, कलंक थी है हमारे घर पर। नहीं नहीं, मेरी बच्ची ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, इन्होंने ही मार डाला मेरी बेटी को।
इंसाफ, मेरी बच्ची को इंसाफ दीजिए। माँ जी आप अपनी समय हमारा काम करने दीजिए, आप निश्चिंत रहिए, सीमा और राजवीर के खूनी को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, सजा जरूर मिलेगी उन्हें। नक्शी आइए माँ जी। चेहरा बिगाड़ दिया है। सारे गहने वैसे के वैसे ही हैं। लूट के इरादे से तो नहीं मारा, तो पर्सनल रंजिश ही है। कांच का टुकड़ा, खून लगा है, लगता है इसी से सारा चेहरा बिगाड़ दिया है। सर ऐसे ही कांच के टुकड़े तो हमने अखाड़े में देखे थे जब हम उन लड़कों के पास गए थे। फोन लगा चारों, किसी को भी लगा। नहीं सर, तीनों का फोन नॉट रीचेबल है। अच्छा जैक। हाँ सर। मीनाक्षी मैम ने तुम्हें चार नंबर दिए थे ना, उन चारों की लोकेशन चाहिए अभी। सर उनमें से तीन नंबर तो अभी भी बंद हुए हैं, लेकिन एक नंबर अभी भी रेलवे रूट की तरफ मूव कर रहा है। वो किसी सुनील राठी के नाम से रजिस्टर्ड है सर, वो एक ही लोकेशन पर स्टैटिक है। इस सुनील की लोकेशन भेजो मुझे तुरंत, और बाकी तीनों की मीनाक्षी को भेजो। हाँ सर। मीनाक्षी शांत और अजय के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ जाओ, तीन लोग उस तरफ जा रहे हैं, तब तक हम लोग इस सुनील से मिलते हैं। अजय पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो। जाय के हिसाब से वो लोग रेल रूट की तरफ गए, और लास्ट लोकेशन के हिसाब से तो इन तीनों को यही होना चाहिए। अगर वो अब तक नहीं निकले तो देखते हैं। इधर ही है आसपास लोकेशन, इधर है। सर पे किसी भारी चीज से मारा गया, इतना सारा खून बह गया। इसे किसी वो खेत पे जो चिड़िया भगाने वाला जो होता है स्कैरक्रो बनाकर लाश को छुपाने की कोशिश तो नहीं की? हो सकता है कातिल शायद अकेला होगा, इसलिए ये बजूका तो बनाया स्कैरक्रो, लेकिन खेत में गाड़ नहीं पाया, उसके लिए तो दो चार लोग लगते भाई। लेकिन यार ये तो चेहरे पे मिट्टी क्यों लगा रखी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी के तीन साथियों ने इसे मार दिया हो? जो भी है वो तीनों भी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। हमने ही तो बोलिए तीगा।
मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तुम कुछ बोलोगे और तुम्हारा जवाब सुनकर मैं विवश हो जाऊंगा कुछ और करने की, तो वो और मैं भी कर देता हूँ। क्या हनुमान, एक मिनट, जरा थोड़ी मेहमान नवाजी का मौका हमें भी दी। देखो राकेश, हमें पता चल चुका है कि सीमा की मौत में तुम चारों लोगों का हाथ है। कांच के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी आने वाले। तुम तो फंसे ही फंसे, सच बोल के बच सकते हो। अगर पुलिस को कोऑपरेट करोगे, सच बोलोगे, तो शायद सजा में थोड़ी रियायत मिल जाए। बता दो, नहीं तो फिर हनुमान के हाथ तो छोड़। नहीं हनुमान जी, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। राजवीर से हमारा झगड़ा हुआ था, उसने भरे बाजार में हमें बेइज्जत किया था और इसलिए उससे हम बदला लेना चाहते थे। सीमा को हमने राजवीर के साथ देखा था, इसलिए जब सीमा अपने भाई और पिता से बचकर भाग रही थी, सुनिए प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पापा और मेरे भाई मुझे मार डालेंगे। जाकर उस कमरे में छिप जाओ और अंदर से कड़ी लगा लो, जाओ। तुमने इधर कोई लड़की आती देखी है? नहीं तो, लेकिन उसके घर वालों के जाने के बाद हम उसे अपनी बातों में बहला फुसला कर मदद करने के बहाने खेतों में ले आए, उसे हमने ले जाकर वहां बांध दिया ताकि सीमा के लिए जब राजवीर वहां आएगा तो हम उससे अपना बदला लेंगे। मगर उससे पहले ही राजवीर को किसी ने मार दिया और तब हमने सोचा कि अब हम राजवीर से अपनी बेइज्जती का बदला क्यों ना सीमा से फायदा उठा कर लें और बाद में उसे मार डालें। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने देखा कि सीमा वहां से निकलकर भाग रही है। अबे ये क्या किया तूने? एक काम कर, इसका चेहरा भी गाड़ दे, किसी को भी इसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। झूठ बोल रहा है तू? नहीं, राजवीर के खून में तुम सबका हाथ है। अगर इस मुंह से ना सच के अलावा कुछ भी निकला ना, तो तेरी गर्दन तुम्हारे हनुमान छोड़ो से, छोड़ो सर, अरे मर जाएगा सर, छोड़ो। जज्बात को काबू में रखो यार। तुम्हारे परिवार वाले तुमको पहलवान बनने भेजते हैं कि गुनहगार? एक बार भी सोचा अपने परिवार वालों के बारे में? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर अभी अभी खबर आई है कि गांव में एक और पहलवान की डेड बॉडी मिली। ये तो पहलवान अमित है। सीमा और राजवीर की मौत से ये केस शुरू हुआ था, उसके बाद से दो और पहलवान मारे गए। अब तो ऐसा लग रहा है कि पहलवानों से किसी की दुश्मनी ठन गई है। देखो, चार पहलवान थे, दो तो मर चुके हैं और एक हमारी हिरासत में है। अब बचता है वो बबलू। अगर हम बबलू तक पहुंच जाएं, तो शायद हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। और उस तक हमें कौन पहुंचा सकता है? शायद मैं जानता हूं। ठीक है फिर चलो। वक्त नहीं हमारे पास राकेश, जल्दी बताओ बबलू कहां मिलेगा? तुम्हारे दो साथियों की जान जा चुकी है। अगर अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो बता देने तो, वरना वो भी गया। साहब आज 5 बजे अपने गांव वाले के ट्रक में बैठ कर जाने वाला है। और साहब हाँ, वो लोग शामली रोड पर मिलने वाले हैं। ये बात हुई थी। बस 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 भैया जी आ गए ठिकाने पे। रोको, ये लो। बस धन्यवाद।
कौन है बे? अबे तेरी हिलना नहीं, मैं गोली मार दूंगा। अब धीरे से स्तर पलटो। पलट को गाड़ी में डालो, चलो चल। अबे चुप, अबे चुप, चल। सीमा अगर तुम जिंदा हो तो वो लड़की कौन थी जिसकी लाश मिली, जिसकी शिनाख्त तुम्हारे घर वालों ने की थी, और तुम ये सब खून खराबा क्यों कर रही हो? सर उन लोगों ने मुझे वहां पर बंद करके रखा था, तभी मैंने वहां पर किसी के आने की आवाज सुनी और मैंने के बारे में पता चल गया है। तो क्या आपके घरवालों ने आपको मान के रखा है? वो सब मैं बाद में बताती हूँ। उसके बाद जब मैं गांव में वापस आई तो मुझे पता चला कि राजवीर को भी किसी ने मार दिया। उन चारों को मैंने राजवीर को मारने की प्लानिंग करते वक्त सुन लिया था। ये लोग राजवीर के साथ साथ मेरे साथ भी कुछ गलत करके मुझे भी मारना चाहते थे, तो मुझे समझ में आ गया कि उन्हीं लोगों ने राजवीर को मार दिया। तो मैंने वापस आकर बिंदु की लाश को अपने गहने पहना है। सबसे पहले मैंने उनके साथी सुनील को मार दिया। और फिर वो अमित को। गलतफहमी में आके तुमने कानून को अपने हाथ में लिया सीमा, क्योंकि राजवीर का खून इन चारों ने नहीं किसी और ने किया है। क्या उन चारों ने नहीं तो फिर किसने मारा है? सब हमारे सामने है, तो फिर ये कातिल दिख क्यों नहीं रहा है? कुछ तो है सर जो हम देख नहीं पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि राजवीर का कातिल हमारी आंखों के सामने ही है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। तो वो सारी कड़ियों को फिर से मिला के देखना पड़ेगा। ये जो चार पहलवान हैं, सीमा, उनका भाई जय सिंह, तो राजवीर की मौत में डायरेक्टली कोई हाथ नजर नहीं आ रहा है। किसी ऐसे आदमी का काम है जो उसका राजवीर की मौत से कोई खास मोटिव पूरा होता। नहीं सर, थैंक्स। अरे यार, लेकिन जिस तरीके से तुम भूखे प्यासे रहकर खुद को टॉर्चर कर रहे हो ना, उससे भी कुछ नहीं होगा। सर, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। राजवीर की हत्या वो मेरे लिए चुनौती है। उसके हत्यारों को ढूंढना है और जल्द ढूंढना है। सर, एक न्यूज आई है, नेशनल टीम में राजवीर की जगह किसी सुबोध सिंह को चुन लिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुबोध सिंह सीतापुर का ही रहने वाला है। सुबोध सिंह, जरा दिखाना। सुबोध सिंह, क्या हुआ?
तुम जानते हो सुबोध सिंह को? पहलवानी करेगा? पहलवानी सब भूल जाएगा, भूल जाएगा तू। संभालो अपने आप। वर्दी पहनी हुई है हम लोगों ने, मत बोलो। अब तक तो तू समझ गया होगा, तू अपने किए के जाल में फंस चुका है। अपराध तूने किया है और सबूत है हमारे पास। जब राजवीर का खून हुआ उस वक्त तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन वहीं पे थी। मेरे सिर्फ दो सवालों का जवाब दो, क्यों और कैसे किया तुमने? बोलेगा या फिर नेशनल चैंपियनशिप में खेलना सर मेरे लिए सर सपना था, और मेरे लिए सर ये लास्ट चांस था सर, और मैं सर अपने सपने को टूटता देख के सर पागल हो गया था, पागल। सर मेरे दिमाग में सर एक आइडिया है, जब सर राजवीर सीमा के घर वालों से उसका हाथ मांगने के लिए गया तो आप जब तक हमें बताएंगे नहीं सीमा कहाँ है, हम नहीं जाएंगे। पापा क्या बोले समझा नहीं गया तू? चला जा, चला जा, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे 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 क्या कर रहे हो पहलवान जी, क्या कर रहे हो? इसको अंदर रखो, अंदर रखो, ठंड रखो ठंड। और तू क्या कर रहा है राजवीर? हाँ जो रिश्ता बना ही नहीं है यार, तू उसको तोड़ने में लगा हुआ है। छोड़ 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 इसको। उसके बाद में मैं राजवीर को सर बेला फुसला कर ले गया, और मैंने उसे बताया कि मैं जानता हूं कि सीमा के घर वालों ने सीमा को कहां छुपा कर रखा है। राजवीर को सर मैंने खेत में बिठा दिया, और मैंने कहा कि सीमा को देखकर मैं आता हूं, क्योंकि कोई मेरे पर सर शक ना कर पाए। और सर उसके बाद अपने स्वार्थ के लिए एक मां से अपने बेटे और इस देश से एक उभरता हुआ पहलवान छीन लिया तूने, सिर्फ इसलिए क्योंकि नेशनल टीम में उसकी जगह पर तू जाना चाहता था। इस मिट्टी को राजवीर जैसे पहलवानों की जरूरत है, तुझ जैसे क्रिमिनल्स के नहीं। सुशांत छोड़ो, उसे जाने दो, आ जा। सर पानी पी लीजिए। तुमने अपनी गुरु दक्षिणा पूरी कर ली हनुमान, पानी पिया सर।